घटना को आप कैसे देख रहे हैं? अब तो कहा जा रहा है कि लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला था और जो उसकी हत्या करी है वो उसके भाई ने और उसकी माँ ने करी है, ऐसा लेटर आरोपी ने जेल से लिखा है। भैया देखो, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये लोग हम लोग सदियों से ये ऐसे महिला अत्याचारों को सहते आए हैं, महिलाओं को जो भी, और केवल मनीषा का आप मानते हैं तो बाकी जो एक हफ्ते के अंदर 5-6 जो हत्याएं हुई हैं, भदोही की है, बलरामपुर की है, लखनऊ की है, आज सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया कि तेलंगाना में भी एक ऐसे 13 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है और उसको मार के फेंक दिया है, तो ये किस बेस पे कहते हैं? और सिर्फ दलितों की बेटी के साथ में ही ये अत्याचार क्यों होते हैं? बाकी दूसरे सवर्ण समाज की महिलाएं हैं तो क्या वो महिलाएं हैं उनके साथ में ये रैप हत्याकांड, या इनको एजुकेशन से अलग रखना, या इनके ऊपर शोषण करना, या इन्हें रोजगार खत्म करना, या इनके खाने पीने के साधन खत्म करना, ये केवल एक वर्ग के साथ ही क्यों होता है? तो हमारा लड़ाई अपने अधिकारों के लिए है, हमारी लड़ाई अपने जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसके लिए है, हमें संविधान बचाना है। जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को सबसे पहले परिवार में पीड़ित, महिलाएं 4-3 तरह से शोषित होती हैं, परिवार में भी उनको दबा के रखा जाता है, दूसरे समाज में उन्हें दबा के रखा जाता है, राजनीतिक में उन्हें दबा के रखा जाता है, तो महिलाएं कैसे निकल के आएंगी? उन्हें पढ़ने के अवसर बाद में दिए जाते हैं, तो महिलाओं को जब तक अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि महिलाओं ने इतिहास भी रचा है, सावित्रीबाई फुले हमारे सामने उदाहरण है, झलकारी बाई हमारे सामने उदाहरण है, तो हमें वो अवसर क्यों नहीं मिलता है? महिलाओं को अवसर नहीं मिलता है, इसलिए महिलाएं पीछे रह जाती हैं। तो मनीषा के केस में भी यही है कि भाई समाज, वो अच्छी एजुकेटेड पढ़ने वाली लड़की थी, वो टॉप कर रही थी अपने स्कूल में, क्लास में, तो उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए, समाज को प्रताड़ित करने के लिए, परिवार को झुकाने के लिए, या किसी के मान सम्मान पे वो नीचा दिखाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए बेटी पे ही अत्याचार क्यों किया जाता है? आपने सरकार का नारा लिखा हुआ प्ले कार्ड पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नीचे आपने लिखा है, तो फिर क्यों बेटी जलाई जा रही है? अभी सरकार तो कुछ भी लिखेगी ना, लेकिन संविधान जो बना है, संविधान के द्वारा हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, संविधान भी बना है, बेटियों को अधिकार दिए जा रहे हैं, तो वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब संविधान हमें अधिकार देता है, समाज क्यों नहीं देता है? सरकार क्यों नहीं देती है वो अधिकार हमें? बेटियों को समानता क्यों नहीं देती है? संसाधनों में बराबर का हक क्यों नहीं मिलता है बेटियों को? तो हमें अधिकार लेने हैं, अपने समाज से लेने हैं, परिवार से लेने हैं, सरकार से लेने हैं, हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना है जो हमें समानता का अधिकार दिलाता है। जब तक बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी, अपने अधिकारों को आगे नहीं लेंगी, आके नहीं वह अपने समानता नहीं पा सकती हैं, क्योंकि बेटियों को आज तक लगता है कि अभी महिलाएं बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश में। बेटियां सुरक्षित होती तो ये अत्याचार नहीं होता, बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ही ये अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, समाज को दबाने के लिए, परिवार को दबाने के लिए, उनका सम्मान मोरल डाउन करने के लिए बेटियों के साथ में अत्याचार किया जाता है। क्योंकि जो आपने देखा था खैरलांजी कांड, वो क्यों हुआ था? सुलेखा के, और सुलेखा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो भी पढ़ने वाली बेटी थी, उसके साथ में पूरे समाज का मोरल डाउन करने के लिए, समाज के वो करने के लिए ये बेटियों को ही हथियार बनाया जाता है, हर तरह से बेटियों को शोषित किया जाता है। सरकार तो अभियान चला रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभियान सिर्फ एक ये कागजी मुद्दे पे है, आपने देखा एजुकेशन पे बेटी पढ़ाओ, कितना बेटियों को पढ़ाया जा रहा है? जब सरकार ने शिक्षा का निजीकरण कर दिया है तो बेटियों को शिक्षा में पीछे रखा जाता है, निजीकरण होने के बाद में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक कटोरा हाथ में, खिचड़ी के लिए कटोरा हाथ में दे के नहीं है, जो मिड डे मील बनाया है वो कटोरा हाथ में दे के नहीं है, पकड़ा दिया है गरीब बच्चों के लिए कि भाई आप ये लो और इस लाइन में लगे रहो, और तुम्हें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई सिर्फ एक नारा लिखने से या वो करने से ये सरकार ने दिया है। लेकिन सरकार ने कहा कि अभी दलित होने के नाते दलित लड़की दलित महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि देश से जातिवाद तो खत्म हो गया। देश से जातिवाद कहाँ खत्म है? वर्ग क्यों चुना जाता है फिर शोषण करने के लिए? एक 15% जो वर्ग है वही सत्ता पे क्यों बैठा हुआ है? जबकि बाबा साहब में इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिलते हैं? जबकि वोट संसद में पहुंचाने वाले हमें लोग होते हैं, हमें लोग वोट देते हैं, देखने ये सरकार बनाते हैं और हमें ही न्याय नहीं मिलता है, हमें ही संसाधनों में बराबर का बंटवारा नहीं मिलता है, हमें ही शिक्षा से वंचित रखा जाता है, हमें बेरोजगार, अभी लॉकडाउन में
कितने बेरोजगार हुए, कितनों का रोजगार छीना गया, कितनों के राष्ट्रीय जो संपदा थी वो खत्म कर दी गई। अब जो जिनके पास पैसा है वो बैठ के खा सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, मजदूरी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, संसाधन नहीं है, वो कैसे बैठ के खाएंगे? वो भूखा मर रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है, योगी सरकार, की किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त सजा दी जाएगी। हम तो पूरे वर्ग की मानसिकता चेंज करना चाहते हैं। आज ये चार आरोपियों को सजा दिए, निर्भया को जो निर्णय मिला वो हमें क्यों नहीं मिल सकता है? एक निर्भया क्योंकि वो समन थी, इसलिए दलितों को वो न्याय क्यों नहीं मिलता है जो हमें मिल, जो पूरे वर्ग को मिलना चाहिए? क्योंकि दलितों के साथ में, और दलितों के बेटी को ही क्यों शिकार बनाया जाता है? बाकी और सवर्ण की भी तो बेटियां हैं, 15% सवर्ण है जो सत्ता पे राज कर रहे हैं, हमारी बेटियों को क्यों निशान? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए उनकी बेटियों को शिकार बनाया जाता है। जब तक हम साधन संपन्न नहीं हो जाते हैं, हम एजुकेट नहीं हो जाते हैं, हम सबल नहीं हो जाते हैं, हम अपनी हिस्सेदारी बराबर नहीं लेते हैं संसाधनों में, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम संघर्ष करते रहेंगे न्याय के लिए। जिस मनुवाद में महिलाओं को इतना निकृष्ट समझा जाता है, क्या महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहिए? हम सिस्टम बदलने के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये हम मानसिकता बदलने की आवाज उठा रहे हैं। ये सिस्टम बदलने के थ्रू ही जाता है, मानसिकता बदल। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, दो चार लोगों को फांसी चढ़ाने से या मारने से, अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी उस सिस्टम से हटने के लिए। हमें एजुकेट होना पड़ेगा ना, हमें एजुकेट होना पड़ेगा, हमें आर्थिक रूप से सबल होना पड़ेगा, हमें अपने रोजगार स्वयं बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक हम निर्भर रहेंगे, हम अपने, क्योंकि निर्भर व्यक्ति को पैरों पे आप खड़ा तो कर सकते हैं, उन्हें दौड़ा नहीं सकते हैं, दौड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। हमें संगठित, बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी, और निजीकरण के द्वारा शिक्षा हमसे कोसों दूर चली गई है। हम संगठित भी नहीं हो पाते क्योंकि 6,500 जातियों में हमें बांट दिया है, हम उन वर्गों में बट के ही अपने रोजी बेटी का संबंध नहीं कर पाते हैं। तो हमें संगठित होना पड़ेगा। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उन्हें सड़कों पे आना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। हमें संविधान के मुताबिक अपने संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, तब हम अपने सबल हो सकते हैं, तब हम अपने न्याय की मांग कर सकते हैं, तब हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। और जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें संसाधनों में बंटवारा नहीं मिलेगा, हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, हम यूं ही इस तरीके से शोषित होते रहेंगे। हमें संगठित होने की जरूरत है, हमें सबल होने की जरूरत है। थैंक यू। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।